राते राम स्यों प्यारे अन तना का हो जाए जो जाने राते राम। हरमंदर साहिब दरबार साहिब अमृतसर एक ऐसा पवित्र स्थान है जिथों कि समुची मानवता नू एक सांझा शांति दा प्यार दा अते एक परमात्मा नाल जोड़न दा सुनेहा मिलता है। हरमंदर साहिब दे विच जिस वेले कोई व्यक्ति प्रवेश करता है जिहड़े चार दरवाजे ने उन्हां तों प्रवेश करता है तां हरमंदर साहिब एक उम्मीद दा सुनेहा दिंदा है एक आशा दा सुनेहा दिंदा है। हरमंदर साहिब दी अपनी एक मर्यादा है और वो मर्यादा पुरातन समय तो लगातार चली आ रही है। जिवें सारे नूं पता है कि हरमंदर साहिब दे कवाड़ अमृत वेले 2 बजे दे लगभग गर्मियां दे विच और सर्दियां दे विच थोड़ा लेट लगभग 3 बजे दे करीब खुल जांदे ने और उत्थे संगतां जिहड़ियां ने किवाड़ खुलण तों पहलां शब्द गायन कर रहियां हुंदियां ने दर्शन दीजे खोड़ किवाड़ सुखमणी साहिब दे पाठ हो रहे हुंदे ने और अंदर फिर किवाड़ खुलण दे बाद कीर्तन आरंभ हो जांदा है। दूसरे पासे जिहड़ा है श्री अकाल तख्त साहिब उत्थों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी जिहड़े सिंह साहिब ने वो लै करके आते ने नाल संगतां होंदियां ने तो जिस वेले सवारी लियाई जाती है तो उस वेले गुरु ग्रंथ साहिब जी सवारी के अगे अगे 2 चौबदार होंदे ने और वो चौबदार जिहड़े ने वो पिठ करके नहीं अगे तुरदे बल्कि उन्हां दी पिठ जिहड़ी है रिवर्स साइड ते होंदी है सत्कार वजों वो इस तरीके दे नाल सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए फुल्लां दी वर्खा दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी जिहड़ी है वो बाहर संगतां उड़ीक रहियां होंदियां ने थल्ले ते पालकी साहिब दे विच सुशोभित कीती जांदी है। सो हरमंदर साहिब दे विच ये पालकी साहिब दे नाल इह संगतां जिहड़ियां ने वो गुरु ग्रंथ साहिब जी सवारी नूं लै के आंदियां ने सिंह साहिब नाल अगवाई करदे ने ते हर धर्म दा व्यक्ति जिहड़ा कि देशां विदेशां तों जां पंजाब ते दूजे सूबियां तों आया है वो अपने आप नूं सुभाग समझदा है चंगे अपने भागां वाला समझदा है जिस वेले वो पालकी साहिब नूं मोढा दिंदा है। वो कहिंदा मेरे चंगे भाग ने कि मैनूं एक अपॉर्चुनिटी मिली है ते मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पालकी साहिब नूं मैनूं मोढा देण दा एक अवसर मिलिया है और अपने चंगे भाग समझदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सवारी पालकी विच सुशोभित करके हरमंदर साहिब तक लैके जाई जांदी है और उत्थों फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सवारी अंदर सुशोभित कीती जाती है प्रकाश किया जाता है हुक्मनामा लिता जाता है भाव कहता एक ऐसा अमृत वेले का जिहड़ा माहौल हुंदा है बड़ा विस्मादी माहौल हुंदा है बड़ा अलौकिक जिहा माहौल हुंदा है। जिस वेले गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हरिमंदर साहिब हुंदा है तो उपर चंदोवा लगे हुंदा है ये सारी चीज़ा पातशाही दीयां निशानियां ने क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह दे पातशाह ने। जय कर कीरत आखिया करते का होए विचारो एहो ही रूटीन जिहड़ा है सिमिलरली वो शाम दे वेले जिस वेले 16 साहिब दा पाठ किया जाता है अरदास की जाती है सिमिलरली सेम तरीके दे नाल पालकी साहिब दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी नूं जिहड़ा है सुशोभित करके फिर वापस श्री अकाल तख्त साहिब उत्थे सुशोभित किया जाता है जिसनों कि असी कोठा साहिब कहते हैं। और एक गल दस दईए कि जिस वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला वारी प्रकाश होया सी हरमंदर साहिब दे विच उस समय तो लैकर के अज तक कोठा साहिब एक ऐसी पवित्र स्थान है श्री अकाल तख्त साहिब दे विच स्थापित है जिथे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अमृत वेले उत्थों लिया जाता है ते शाम दे वेले सुखासन दे बाद उत्थे ही सुशोभित किया जाता है और ये गुरु अर्जन पातशाह पंचम गुरु शहीदां दे सरताज दे समय तो ये प्रथा जिहड़ी है निरंतर चली जा रही है। सो ये एक ऐसा मैं समझदा हाँ कि
पवित्र अवसर हुंदा है जिसनों देख के जिसनों सुन के जिसनों मन मन विच जिहड़ा है वो एक ब्लिस जागदी है एक आनंद जागदा है।